सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है एकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। एकेआई सर्विसेज लिमिटेड के अंदर आप देखोगे आज के दिन आपको लगभग 3.5% के आसपास, 4% के आसपास जो तेजी है वो देखने को मिली है काफ़ी टाइम के बाद। सुबह तो आपने देखा होगा स्टॉक आपको जो है लगभग LC के अंदर लॉक होते हुए नजर आया। स्टॉक जो है 375 के जो है नीचे में लेवल टच किए, उसी प्राइस पर ओपन हुआ, वहीं इसका लो रहा है। उसके बाद जो हाई रहा वो आप देखोगे 412 रुपये। तो स्टॉक में ये अचानक से एकदम से मूवमेंट्स क्यों बने हैं? क्या यहाँ पर स्टॉक के अंदर फिर से तेजी आने के संकेत हैं या फिर यहाँ पर कोई बड़ा गेम है? आपने देखा होगा स्टॉक सुबह पहले टूटा, 393 रुपये इसका बाउंड वीक हाई है, वहाँ सॉरी बाउंड वीक लो रहा था, प्रीवियस क्लोजिंग रही थी सॉरी इसकी कल की, वहाँ से स्टॉक 375 पर ओपन हुआ, उसके बाद स्टॉक में तेजी। यानी सुबह स्टॉक पहले टूटा 5% के आसपास, फिर जो है 4% के आसपास भागा, यानी कि 5% टूटा वो और 4% भागा वो, टोटल हो गया 9%। तो 9-10% स्टॉक जो है अभी इंट्राडे में चला है नीचे के लेवल से अगर देखें तो। वहां से आप देखोगे बड़े इन्वेस्टर स्टॉक के अंदर घुसे हैं जिसके चलते स्टॉक में तेजी बनी है, और ऊपर के लेवल से अब आप देखोगे फिर से स्टॉक को बेच देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अभी 5 दिन में स्टॉक कितना टूटा है, तकरीबन 15% के आसपास, और यहाँ पर ये मूवमेंट्स हमें बनते नजर आए। स्टॉक टूटा फिर एक दिन, उसी दिन हमें ऊपर उठते नजर आया, ऊपर उठने के बाद फिर स्टॉक LC में लॉक हो गया। उसके बाद आप देखोगे एक महीने पहले भी स्टॉक में यही हाल हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक जो ना ऊपर से LC के अंदर टूट रहा था, और यहाँ पर 514 के भाव से स्टॉक में तेजी आना स्टार्ट हुई, और ऊपर में 2 दिन में स्टॉक जो अभी 564 रुपये के भाव पर पहुंचा। तो वहाँ पर भी आप देखोगे 2 दिन स्टॉक में तेजी चली, उसके बाद स्टॉक जो ना फिर से डंप होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये गेम भी हो सकता है। 6 मंथ में आप देखोगे 76% जो स्टॉक है वो टूटा हुआ है, काफ़ी फॉल स्टॉक में बना है, और बीच बीच में ये मूवमेंट्स हमें स्टॉक में जो अभी बनते नजर आते रहे हैं। तो इन मूवमेंट्सों को लेकर आपको जो अभी स्टॉक के अंदर फंसना नहीं है। आपको पहले भी बोला है 200 के लेवल स्टॉक आपको दिखाएगा यहां से, और जो भी इन्वेस्टर स्टॉक के अंदर फंसे हुए, देखो भाई लॉस हुआ है, हैवी लॉस हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ, बट जब तक इसके रिगार्डिंग कोई पॉजिटिव खबरें निकल कर नहीं आ जाती है, ऑडिटर ने जो बोला उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती है। आपने देखा होगा अभी ऑडिटर ने क्या बोला कि अकाउंटिंग को लेकर छेड़खानी की जा रही है। अगर अकाउंटिंग को लेकर छेड़खानी नहीं की जाती तो स्टॉक आपको नॉन स्टॉप भागते नजर आता है। जैसा कि आपने देखा होगा पीछे स्टॉक ने कितने अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए थे, अब तो स्टॉक आपको जो अभी नॉन स्टॉप टूटते नजर आ रहा है। 6 महीने में कितनी बड़ा फॉल आया है, 1 ईयर में आप देखोगे तकरीबन 80% टूटा स्टॉक, और मैक्सिमम में तो स्टॉक अभी भी आपको जो अभी 900% के रिटर्न पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब ये शेयर इसका जो हमें ओपनिंग प्राइस देखने को मिला, लिस्टिंग प्राइस था वो 40 रुपये के आसपास था, वहाँ से आप देखोगे स्टॉक ने 3000 रुपये के लेवल टच किए थे कितने टाइम के अंदर अंदर, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अभी थोड़े से टाइम में ही आप देखोगे 9 अप्रैल 2021 में ये लिस्ट हुआ, उसके बाद 21 जनवरी 2022 में ये शेयर पहुँच गया था अभी 3073 के भाव पर, और ऊपर में आप देखोगे स्टॉक ने तकरीबन 7587% के रिटर्न, जी हाँ 7587% रिटर्न, और वहाँ से अब आप देखोगे स्टॉक में जो फॉल होना स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। अभी तकरीबन 86% जो स्टॉक है वो ऊपर के लेवल से टूटा है। तो ऐसे में करंट लेवल के ऊपर अब स्टॉक के अंदर जो ये मूवमेंट्स बने हैं इसे आप लोग मौका समझो, आपको मौका मिला है इस स्टॉक से एग्जिट लेने का, अदरवाइज ये शेयर अभी यहाँ से और भी टूटने वाला है। तो ये मौका अपने हाथ से मत गवाओ। यहाँ से आप देखोगे स्टॉक अपर सर्किट भी लगा सकता है 5% का, ठीक है 5% का यूसी भी लगा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते भाई, क्योंकि जब तक इसके अंदर ऑपरेटर गेम चलेगा ना भाई तब तक इस शेयर को लेकर कोई भी पॉजिटिव बातें नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव संकेत है स्टॉक के अंदर पूरे के पूरे। तो यहाँ से शेयर अगर सेल किया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी और नीचे आना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है देख लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।